कसूर थाना बी डिवीजन के इलाका कोट अलीगढ़ के रहायशी ईडी एम्बुलेंस के ड्राइवर के घर चोरी की वारदात। नामालूम चोर रात गए घर की दीवार फलांग कर तलाई जेवरात और ईद के लिए जमा की गई नकदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस थाना बी डिवीजन की चौकी सब्जी मंडी मसरूफ कार्रवाई है। कोट अलीगढ़ के रहायशी ड्राइवर यासीन के मुताबिक वो गुज़िश्ता एक हफ्ता से बीवी और बच्चों को लेकर किसी ज़रूरी काम से लाहौर गया हुआ था और जब 6 दिन बाद वापस घर पहुंचा तो घर के ताले टूटे हुए और सामान बिखरा पड़ा था। नामालूम चोर सेफ अलमारी से जेवरात और जमा पूंजी तो ले ही गए मगर छोटे छोटे बच्चों ने जो मट्टी का गल्ला डाला हुआ था वो भी तोड़कर बच्चों की जमा की गई ईदी की रकम भी ले उड़े। मेहनतकश ड्राइवर यासीन का कहना है कि ईद लोगों के लिए तो खुशियां लेकर आई है मगर हम गरीबों के दुखों में मजीद अजाफा करने आई है। यासीन कसूर पुलिस से भी मुतमईन नजर नहीं आ रहा। मजीद जान लेते हैं यासीन की जबानी। मेरा नाम हमद यासीन है। मैं 6 दिन पहले गया हुआ था लाहौर अपने बच्चों का लेके, तो मेरे घर में ये सामान मेरा है था बच्चों का, यानी कि अंगूठियाँ वगैरह, मेरी बीवी का जेवर था थोड़ा सा, कितना आधा तोला था उसके, ठीक है। और घर में कोई सैलरी वगैरह मैं अपने रखी हुई थी, मैंने पैसे मैंने रखे हुए थे ईद के लिए अपने, यानी कि बच्चों के खर्चे के लिए। अब 6 दिन के बाद मैं अब घर पर आऊँ, मेरे घर के ताले टूटे हुए हैं, लिहाजा मैंने आके देखा तो घर में जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे बच्चे खाना भी खा सके, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची। तो मैंने अभी पुलिस वालों को बुलाया था, अपनी कार्रवाई की है, वो देख के अपना करके चले गए हैं। ज़्यादा मैं गरीब बंदा, मेरे पास तो यही हिसाब था जो आपके सामने है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए।